गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आज इस तारीख तक का पांच सबसे बेस्ट स्मार्टफोन एंड दैट यू कैन गेट एट जस्ट अंडर 10K। जी हाँ, 10,000 के अंदर आप इस फोन को पा सकते हैं। इस वीडियो में स्मार्टफोन की रैंकिंग कुछ पैरामीटर पर डिसाइड की गई है, जैसे कि एट फर्स्ट अच्छी प्रोसेसर होनी चाहिए, सेकेंड एटलीस्ट 5000 mAh की हाई पावर बैटरी होनी चाहिए ताकि एक बार चार्ज किया तो चले दिन भर बिना किसी ब्रेक के, थर्ड एटलीस्ट 4GB की रैम और 64GB की रोम तो भाई होनी ही चाहिए, बिकॉज आजकल के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में एंड्रॉइड 10 का OS आता है जो ऑलरेडी खुद अप्रॉक्स 15GB के आसपास मेमोरी कंज्यूम करता है। सो इस केस में आप 32GB का रोम वाली फ़ोन लेकर क्या ही करेंगे। और वैसे भी मैं आपको 10,000 के अंदर 64GB रोम वाली फ़ोन मैं बता ही रहा हूँ, फिर तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, चीप एंड बेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, हम इंडियंस की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कोई भी प्रोडक्ट भाई चीप एंड बेस्ट है या नहीं। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस हमारे लिस्ट में आता है पांचवें नंबर पे Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Prime। जी हाँ, हालांकि इस फोन को रिलीज हुए अप्रोक्स 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल अपने स्पेक्स के कारण ये टॉप 5 में जगह बनाया हुआ है। अगर इस फ़ोन के डिज़ाइनिंग की बात करें तो बहुत ही डिसेंट लुक में आता है। अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें 6.53 इंच का बिग डिस्प्ले मिलता है विद फुल HD एंड IPS डिस्प्ले के साथ, और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कैमरा की बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा दिया हुआ है विद अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो लेंस के साथ। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek का Helio G80 मिलता है जिसमें आपको गेमिंग बहुत ही स्मूथली आप प्ले कर सकते हैं। अगर रैम रोम की बात करें तो इसमें 4GB की रैम और 64GB की रोम आ जाती है। अगर हम इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें 5020 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी मिलती है विद 18W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, तो भाई ये स्पेक्स से तो इसका जगह नंबर 5 में तो भाई बनता ही बनता है। तो गाइस हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10। ये अपने नाम के जैसा लुक्स में भी बहुत ही हॉट है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लुक के साथ आता है ये फ़ोन। इट्स डिज़ाइन सिम्स लाइक एक्सपेंसिव फ़ोन। अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 10 का OS मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek का Helio G70 मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा कम है बट स्टिल इट्स अ गुड, उतना बुरा ख़राब नहीं कहा जा सकता, अंदर 9999 के रेंज में। वहीं अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर रैम की बात करें तो 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB की रोम मिल जाती है। बैटरी की इसमें बात करें इसमें 5200 mAh की हाई पावर बैटरी मिलती है। कैमरा की बात करें इसमें 16MP का मेन कैमरा मिलता है, वही 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है। जिस समय मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ इस समय इसकी प्राइस 9,500 है। गाइस यहाँ मैं एक अपडेट देना चाहूँगा, अगर आपने इन्फिनिक्स ब्रांड का मन बना लिया है कि इन्फिनिक्स ब्रांड मुझे लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा इन्फिनिक्स हॉट 10S। जी हाँ, इसकी फर्स्ट सेल 27 मई को 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसकी पहली सेल होगी और इसकी प्राइस 10,499 रुपीज़ होगी। गाइस ये हॉट है तो वो डबल हॉट है। जी हाँ, उसमें 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 48MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। उसमें प्रोसेसर MediaTek का Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। डेफिनेटली मैं उस फ़ोन को पिक करता अपने लिस्ट में, बट पिक ना करने के रीज़न है कि अभी मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Power। वाकई इस प्राइस रेंज में, जो कि 9999 के रेंज में, वाकई एक ये पावरफुल फ़ोन है। इसमें 48MP का क्वाड कैमरा मिलता है, वहीं आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का OS मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 मिल जाता है, जो कि बुरा नहीं बोलेंगे इस प्राइस रेंज में, सही है, ठीक है। अगर हम इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो इसमें 6.53 इंच का बिग डिस्प्ले मिल जाता है, 464 की रैम रोम मिल जाती है, बैटरी कैपेसिटी भाई 6000 mAh, माइंड ब्लोइंग। इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। अगर आप एक बड़ी बैटरी खोज रहे हैं, एक अच्छे प्रोसेसर खोज रहे हैं, एक अच्छा कैमरा खोज रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है Realme की तरफ से Realme का Narzo 30A। हमारे लिस्ट में इसके दूसरे नंबर पे जगह बनाए रखने के पीछे बहुत सारी रीज़न है, जैसे कि पहला, इसमें 6000 mAh की बहुत ही बिग बैटरी दी गई है, प्रोसेसर का क्या ही कहना। इसमें MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, वहीं आपको इसमें Android 10 का OS मिल जाता है।
अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिस्प्ले 6.51 इंच की बिग डिस्प्ले मिल जाती है, 64 GB की रैम रोम मिल जाती है। अगर हम इसके कैमरा की बात करें, इसमें 13 MP का मेन कैमरा दिया गया है, वहीं फ्रंट कैमरा 8 MP का दिया हुआ है। इसकी प्राइस ऑफर प्राइस 8,999 रुपीज़ है, बट बिना ऑफर में इसकी प्राइस 9,999 रहती है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय इसकी प्राइस 8,999 रुपीज़ है। गाइस, बेहतरीन लुक एंड शानदार स्पेक्स के कारण हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है पोको की तरफ से पोको M3। जी हाँ, बट गाइस, एज वी ऑलरेडी नो, दिस लिस्ट इज ऑल अबाउट अंडर 10K। बट थोड़ा एक्सपेंसिव होने के बाद भी हमने ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो फिर ये बेस्ट रहेगा अराउंड 10K के आसपास फोन में। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 10,999 में आता है, बट आप कार्ड वार्ड का ऑफर लगाकर 10,500 तक ले सकते हैं। अगर आपने कसम खा के बैठा है कि नहीं भाई, मुझे तो 10K के अंदर ही का फ़ोन लेना है, तो भाई आप बाकी 4 फ़ोन देख सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 10 का OS मिलता है। प्रोसेसर की बात करें, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 मिलता है, जो कि डिसेंट है, ठीक है, नॉट बैड, बुरा नहीं बोल सकते इसे, ठीक है, रनेबल है। रैम की बात करें, इसमें 6 GB का रैम और 64 GB की रोम मिलती है। बैटरी कैपेसिटी तो भाई क्या ही कहना, 6000 mAh का बिग बैटरी। इसमें मेन कैमरा 48 MP देखने को मिल जाता है, वहीं फ्रंट कैमरा 8 MP देखने को मिल जाता है। गाइस, ओवरऑल इस फ़ोन का बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन रहेगा अराउंड 10K के आसपास की फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो, बिकॉज 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, डबल स्पीकर मिल जाता है, 6 GB का रैम मिल जाता है, और क्या ही चाहिए भाई। वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, ये पांचों फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।